तो राजधानी रांची में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब यही वजह है कि लोग गर्म कपड़े या तो खरीद रहे हैं या अपने संदूक से निकाल रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। राजधानी रांची की दुकानों में इन दिनों गर्म कपड़ों की बिक्री में काफी तेजी आई है। कंबल हो या ऊनी कपड़े, ठंड से बचने के लिए शहरवासी खूब खरीदारी कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से जहां दुकानदारों की बिक्री ठप हो गई थी, वो ठंड के दस्तक देते ही अब रफ्तार पकड़ने लगी है। एक हफ्ता से दिवाली का पहले से ही बाजार बहुत अच्छा चल रहा है और हमको उम्मीद लग रहा कि दुकानिया लोग जो आता था ना, वो तो इस साल आया नहीं, इसके लेकर के अवैध में और भी बाजार अच्छा चलेगा, पूरा दिसंबर एकदम कवरेज कर जाएगा। ठंड तो अचानक काफी बढ़ गई है, अच्छा था हम लोग व्यवस्था भी नहीं कर पाए हैं, ना अच्छा था हम लोग अपना उलन को तैयार कर पाए और ठंड हम जल्दी कपड़ा निकालिएगा उलन पूरा की। हाँ, बहुत जल्द निकालना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से मौसम चेंज हुआ है, इतना उम्मीद नहीं था। कड़ाके की ठंड से राजधानी वासी बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सरकार से जगह जगह अलाव जलाने की भी मांग कर रहे हैं। अगर दुकानदारों की बात करें तो उन्हें आशा है कि इस बार की बिक्री काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पोताला बाजार इस बार नहीं लगा, जिससे आम दुकानदारों की बिक्री दोगुनी हो गई है। दो तीन दिनों से ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए प्रशासन को चाहिए हर चौक चौराहे में अलवा की लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या उलन कपड़ा का, उलन कपड़े की भी सेल बढ़ गई है और उसका गरीबों पर वितरण भी करना चाहिए गरीबों के लिए। बहरहाल लॉकडाउन के बाद रांची के दुकानदार अपनी बिक्री से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं राजधानी वासी सरकार से अलाव जलाने के साथ साथ गरीबों के बीच कंबल बांटने की भी मांग कर रहे हैं। सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।